मैं हूं सानिया एदीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मलाड पुलिस ने ऐसे दो आरोपी को गिरफ्तार किया है जो एटीएम मशीन में तकनीकी खराबी कर कई लाखों रुपए लूट चुके हैं। इन दोनों आरोपी का नाम आरिफ रती खान और राशिद फिरोज खान है और ये हरियाणा के मेवात के रहने वाले हैं। ये लोग हरियाणा से फ्लाइट के जरिए मुंबई आकर एटीएम में गड़बड़ी कर पैसे लूटते हैं। पुलिस को जानकारी मिली थी कि दो लोग एटीएम में घुस कर उसमें कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। इस आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से इन दो लोगों को पकड़ा है। पकड़े जाने पर इनके पास से लगभग 68 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। ये दोनों उस एटीएम में जाते थे जिसमें ना कोई सिक्योरिटी गार्ड हो ना ही सीसीटीवी कैमरा, और कार्ड स्वाइप करने के बाद पैसे को विड्रॉ करते थे। लेकिन जैसे ही मशीन से पैसा बाहर आने लगता वैसे ही मशीन को बंद कर देते थे ताकि बैंक में ये जानकारी नहीं मिले कि पैसा विड्रॉ हो चुका है। दूसरे दिन बैंक में जाकर अपने पैसे को मांगते थे। इस तरह से इन लोगों ने कई बैंक को लूटा है। 18 अक्टूबर को सुबह 3:30 बजे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसमें एक एटीएम में कुछ छेड़छाड़ करते हुए दो सस्पिशियस लोगों को देखा गया है। उस एक कॉल मिलते ही मालाड पुलिस स्टेशन के ड्यूटी स्टाफ और ऑफिसर इमीडिएटली वहाँ पे उन्होंने विजिट किया। विजिट करने के बाद में उन्हें पता चला कि वहाँ पे कुछ ना कुछ एटीएम में गड़बड़ किया गया उन्हें दिखा। तो उसके बाद में उन्होंने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। तो उन्होंने दो सस्पिशियस एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया है, जिनके पास से जो एटीएम में छेड़छाड़ किया गया उसमें से 30,000 रुपये उन्होंने विड्रॉ किए थे, उनको भी रिकवर किया गया है। उसके साथ में ही उनके पास से 68 अलग अलग बैंक के एटीएम कार्ड्स मिले हैं, जिनका यूज़ जो गुना उन्होंने किया है इस तरीके से एटीएम से पैसे विड्रॉ करने के लिए वो एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते थे, ऐसे अभी तक निष्पन्न हुआ। सही आरोपी कहाँ के रहने वाले और कितने लोग इसमें शामिल? ये आरोपी राजस्थान स्टेट के मेवात के रहने वाले हैं। वॉरस किस तरह का? ये जो आरोपी है, ये आरोपी का जो एक गैंग है, ये लोगों को उस जो एटीएम में जो सिस्टम जो है उसके जो कुछ तकनीकी एरर कैसे उसमें ला सकते हैं ऐसे उनको ट्रेनिंग दिया गया है। उसमें उन्होंने जब पैसे हम एटीएम में विड्रॉ करते हैं कार्ड स्वाइप करने के बाद में, तो वहाँ से पैसे विड्रॉ होने के बाद भी वो सर्वर को मैसेज कम्युनिकेशन नहीं होगा ऐसे उनके पास में टेक्निक है, जिससे सर्वर को ये नहीं पता चलता कि पैसे विड्रॉ हुए, उसमें टेक्निकल एरर दिखाता है ताकि पैसे विड्रॉ करने के बाद में भी जिस अकाउंट से पैसे विड्रॉ किए गए उस अकाउंट में वापस बैंक क्रेडिट करता है, तो इससे बैंक का भी लॉस होता है और इन ये भी वहाँ से पैसे भी ड्रॉ करते हैं। सर एक सवाल ये है कि क्या ये एजुकेशन टेक्निकली एजुकेशन है या आईटी वगैरह करके इस तरह का ये कर रहे हैं? ये दोनों ऑफिस से अभी आगे की तहकीकात चल रही है। अभी तक की तहकीकात में तो ये पता चला है कि लोगों ने एटीएम मशीन्स में किस तरीके से तकनीकी एरर क्रिएट करके कैसे पैसे विड्रॉ किए जा सकते हैं, इसका उन्होंने अच्छे से स्टडी किया हुआ है और उसका उन्होंने डिसएडवांटेज भी लिया हुआ है।